नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। देश का अधूरा नक्शा स्कूल की डायरी में छापने के मामले में पुलिस ने शहडोल के बुढ़ार स्थित ग्रीन बेल्स पब्लिक स्कूल के संचालक मोहम्मद शरीफ नियाजी पर राष्ट्रद्रोह का प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बिना कश्मीर वाला यह नक्शा बच्चों को दी जाने वाली डायरी में छापा गया था। जानकारी मिलने पर अभिभावकों ने सोमवार को रोष जताकर प्रदर्शन किया था। SP सुशांत सक्सेना के अनुसार कृष्णचंद गुप्ता निवासी बुढ़ार की शिकायत पर 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। रायसेन जिले की मंडीदीप, सतना की मेहर और अशोकनगर की ईसागढ़ नगर पालिका परिषद के आम चुनाव के नतीजे सोमवार को सामने आए। इन तीनों नगर पालिकाओं में 15 जुलाई को वोटिंग हुई थी। तीनों जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे हैं। मेहर में धर्मेश गही, मंडीदीप में बद्री सिंह चौहान और ईसागढ़ में भूपेंद्र द्विवेदी जीते हैं। खरगोन जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में सोमवार रात 10 से 12 प्रसूताओं का स्वास्थ्य बिगड़ गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि करीब 11:30 बजे प्रसूताओं को इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद उन्हें बुखार के साथ ठंड लगने की शिकायत हुई। परिजनों ने इस बारे में तुरंत चिकित्सकों को सूचित किया। इस पर प्रसूताओं का परीक्षण किया गया। जानकारी के मुताबिक कौन सा इंजेक्शन लगाया गया इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर RK नीमा मौके पर पहुँच गए हैं। बैतूल के साप्ताहिक बाजार से मोबाइल की चोरी करने के संदेह में शनिवार को भेजदही पुलिस ने जिन 3 बच्चों को पकड़ा था, उन्हें हथकड़ी लगाने और बेरहमी से पिटाई करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। थाने के भीतर बच्चों के कपड़े उतार कर तलाशी लेने और उनकी पिटाई करने का वीडियो सामने आ गया था। पुलिस ने भेजदही के बाजार से 3 नाबालिगों को संदेह के आधार पर पकड़ा था और उन्हें हथकड़ी लगाकर थाने में लाया गया। थाने में तीनों को 3rd डिग्री टॉर्चर देना शुरू कर दिया। भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में हाउसिंग बोर्ड के मकानों का निर्माण कराया जाएगा। 1 महीने में इसके लिए एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा। अभी 13 ऐसे जिले हैं जहां बोर्ड ने जरूरतमंदों के लिए आवास नहीं बनाए हैं। जल्द ही इनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद जमीन की व्यवस्था कर प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। इनमें ऐसे आवास बनाए जाएंगे जो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बजट में हो। यह बात कृष्ण मुरारी मोघे ने मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में बतौर अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने के बाद कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े।